हे गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कुड नॉट फाइंड योर गूगल अकाउंट। अगर आप लोग अपना जो जीमेल है उसको लॉगिन करने के लिए जा रहे हो तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, आपका जो जीमेल है वो लॉगिन नहीं हो रहा और यहाँ आपको देखने को मिलता है कुड नॉट फाइंड योर गूगल अकाउंट। तो आप लोगों को मैं सारी चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ किस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है और कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा जो जीमेल है उसको यहाँ पर मैं लॉगिन करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको एक रेड कलर का देखने को मिलता है कुड नॉट फाइंड योर गूगल अकाउंट, देख सकते हैं। जैसे यहां पर मैं नेक्स्ट करता हूं, कुड नॉट फाइंड योर गूगल अकाउंट, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्यों होता है, कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो जीमेल आईडी में यहां पर लॉग इन करने के लिए जा रहा हूं, ये लॉग इन नहीं हो रहा, यहां पर कुड नॉट फाइंड योर गूगल अकाउंट देखने को मिला, ठीक है। अब इसी सेम ईमेल आईडी से यहां पर मैं एक न्यू जीमेल जो है उसको क्रिएट करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि क्यों आपको यह प्रॉब्लम आता है। देख सकते हैं लिखा हुआ RT19 रिसेप, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे लिखा हुआ होगा क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन, ठीक है। सेम इसी ईमेल आईडी से मैं आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करके दिखाने वाला हूं फॉर माय पर्सनल यूज, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फर्स्ट नेम में आपको अपना नेम फिलिप कर देना है, उसके बाद यहां से आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो सारी चीजें मैं आपको करके दिखाने वाला हूं, फर्स्ट एंड लास्ट नेम फिलिप करके, और यहां से इसको जो है मैं नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ आपको अपना फिलिप कर लेना, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है, सारी चीजों को आपको कर लेना है। उसके बाद यहां से जो है जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। देख सकते हैं जेंडर मेल हूं तो मेल, उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप लोग इसको नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद देख सकते हैं ईमेल आईडी का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अब यहां पर उसी ईमेल आईडी को यहां पर मैं फिलिप करने वाला हूं, ठीक है, जो RT19 रिसेप था, ठीक है। देख सकते हैं सेम इसी ईमेल आईडी से मैं एक जो है न्यू जीमेल अकाउंट यहां पर मैं क्रिएट करने वाला हूं, ठीक है। देख सकते हैं वो सेम यहां पर मैंने फिलिप कर दिया और नेक्स्ट में कर देता हूं। नेक्स्ट करने के बाद पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, पासवर्ड यहां पर मैं फिलिप कर देता हूं और जो ये अकाउंट है ये क्रिएट हो जाएगा। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो उससे कोई सेकंड ईमेल आईडी नहीं बन सकता, बट यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन था देख सकते हैं उसी सेम ईमेल आईडी से मैंने एक सेकंड ईमेल आईडी बना दिया, यहां पर ये प्रॉब्लम जो थी प्रॉब्लम देख सकते हैं फिक्स हो गई, ठीक है। आई एग्री पे मैं क्लिक कर देता हूं, इसी सेम नेम से सेम ईमेल आईडी से एक जो है न्यू अकाउंट क्रिएट हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग गाइस यहां पर लॉगिन भी हो गया। अब यहां पर मैं जो है एक न्यू अकाउंट जो है उसको लॉगिन करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं, देख सकते हैं इस पर मैंने क्लिक किया, यहां पर ऐड अनदर अकाउंट पर मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद मैं यहां पर जो है गूगल वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूं, ठीक है। देख सकते हैं गूगल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर मैं आपको एक और ईमेल आईडी आपको दिखाने वाला हूं जिस पर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। यहां पर जैसे मैं इस ईमेल आईडी को लॉगिन करने के लिए जा रहा हूं तो यहां पर सेम उसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, कुड नॉट फाइंड योर गूगल अकाउंट, देख सकते हैं RT20 रिसेप यहां पर मैंने फ्लिप कर दिया, देख सकते हैं कुड नॉट फाइंड योर गूगल अकाउंट, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। अब इसी सेम ईमेल आईडी से मैं एक जो है न्यू अकाउंट क्रिएट करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं, देख सकते हैं गाइस यहां पर देख सकते हैं जो RT19 है, देख सकते हैं दिस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन योर डिवाइस, ठीक है। इसको मैंने लॉगिन कर रखा, देख सकते हैं कोई सेकंड यहां पर अकाउंट यहां पर लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहां पर RT20 से देख सकते हैं कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, जो आप लोगों को प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो फॉर माय सेल्फ यूज पे इसको पर्सनल यूज पे आपको क्लिक कर देना है और यहां पर मैं न्यू अकाउंट क्रिएट करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप आप लोग देख सकते हैं जो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो रहा है कुड नॉट फाइंड योर गूगल अकाउंट का, इसलिए हो रहा है कि आप लोगों का इस ईमेल आईडी से कोई भी अकाउंट बना ही नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं मैंने एक जो फर्स्ट आपको करके क्रिएट करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूं और यहां पर सेकंड भी आप लोगों को मैं क्रिएट करके दिखा दे रहा हूं एक न्यू अकाउंट, ठीक है। देख सकते हैं सेम RT20 यहां पर लिख देता हूं। आप लोग भी जो ईमेल आईडी अपने जीमेल में आप लोग फिलिप करके लॉगिन करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, जो भी आप लोग ईमेल आईडी को लॉगिन कर रहे हो उसी सेम ईमेल आईडी से आप लोग एक न्यू अकाउंट भी बना सकते हो, क्योंकि आप लोग अपना जो ईमेल आईडी है उसे भूल चुके हो, इसीलिए आपको एक प्रॉब्लम आता है कुड नॉट फाइंड योर गूगल अकाउंट। देख सकते हैं मैंने पासवर्ड फिलिप कर दिया और यहाँ पर ये अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है RT20 से, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कुड नॉट फाइंड योर गूगल अकाउंट का, तो आप लोग उसी सेम ईमेल आईडी से आप लोग अपना एक न्यू अकाउंट बना सकते हो। बट अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग अपना जो पुराना अकाउंट है कैसे पता कर सकते हो, तो इसके लिए मैंने जो वीडियो बना रखा है आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन से जितने भी अकाउंट क्रिएट कर रखे होंगे वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग जिस भी अकाउंट को आप लोग लॉगिन करना चाहेंगे उसको वहाँ से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।